नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों की चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की मेनली टू प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, पहला जो स्टेप है हम लोगों के पास, ये क्या है, लाइमस्टोन बोल्डर फ्रॉम माइंस। तो ये है पहला स्टेप। सो लाइमस्टोन माइन से देखिए, हम लोग लाइमस्टोन बोल्डर को निकालते हैं और देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रक में भर देते हैं और ट्रक में भरने के बाद हम लोग इसको लेकर आते हैं क्रशर पे। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है लाइमस्टोन क्रशर, ये है सेकेंड स्टेज। ओके, तो लाइमस्टोन क्रशर पे हम लोग ट्रक में लाइमस्टोन भर के लेकर आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रश करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है फीडिंग हॉपर, यहाँ पर देखिए हम लोग लाइमस्टोन डालते हैं और यहाँ पर है प्राइमरी क्रशर, यहाँ पर क्रश हो जाता है लाइमस्टोन। और यहाँ पर कॉन्वेयर बेल्ट है और कॉन्वेयर बेल्ट में हम लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं और जो लाइमस्टोन हम लोगों को चाहिए यहाँ पर देखिए हीप बन गया है। ओके, तो लाइमस्टोन को हम लोग हीप बना के रखते हैं, जितना लाइमस्टोन रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से हम लोग हीप से लाइमस्टोन को निकाल के यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है देखिए कॉन्वेयर बेल्ट। अब हम लोग लाइमस्टोन हीप से लाइमस्टोन को हम लोग कॉन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे। यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, लाइमस्टोन। इसके साथ हम लोग क्या डालेंगे, इसके साथ हम लोग डालेंगे क्ले, इसके साथ हम लोग और डालेंगे बॉक्साइट, इसके साथ हम लोग डालेंगे आयरन ओर। ओके, तो कॉन्वेयर बेल्ट पे हम लोग लाइमस्टोन, क्ले, बॉक्साइट, आयरन ओर इनको हम लोग डाल देते हैं। और कॉन्वेयर बेल्ट इसको कॉन्वे करके कहाँ पर लेकर आते हैं, इसको लेकर आता है रॉ मिल पे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉ मिल। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है रॉ मिल। तो रॉ मिल के अंदर जैसे ही ये जाता है, ये लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्रश्ड लाइमस्टोन और इसके साथ क्ले, बॉक्साइट, आयरन ओर इनको फाइन पाउडर पे कन्वर्ट कर देता है। फाइन पाउडर पे कन्वर्ट कर देता है क्या, रॉ मिल। ओके, अब जैसे ही पाउडर बन जाता है इसको हम लोग को स्टोर करके रखना होता है, तो इसके लिए हम लोग के पास है रॉ मिल साइलो। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे साइलो, यहाँ पर आप साइलो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन साइलो पे हम लोग इस फाइन पाउडर को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टोर करके रखेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से हम लोग निकाल के यूज करेंगे। ओके, अब रॉ मिल साइलो से हम लोग इस पाउडर को निकाल के हम लोग लेकर आते हैं फोर स्टेज प्री हीटर पे। ये क्या है, फोर स्टेज प्री हीटर। ओके, फोर स्टेज प्री हीटर, यहाँ पर देखिए हीट करने से पहले पाउडर को हम लोग यहाँ पर प्री हीटर से इसको निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए रोटरी क्लीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है रोटरी क्लीन, ये घूमता रहता है और यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और इसके वजह से जो पाउडर है ये देखिए क्लिंकर पे कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर के वजह से। इस प्रकार की देखिए क्लिंकर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और क्लिंकर पे कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर आ रहा है और इस क्लिंकर को हम लोगों को कूल करना है, तो इसको हम लोग कूलर पे भेजते हैं। जैसे ही कूल हो जाएगा क्लिंकर, क्लिंकर कूल होने के बाद क्लिंकर को भी हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हम लोग के पास है क्लिंकर साइलो, यहाँ पर देखिए हम लोग क्लिंकर को स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब जितना क्लिंकर रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से हम लोग बाद में क्लिंकर को यहाँ से निकालेंगे क्लिंकर साइलो से। नेक्स्ट है देखिए कॉन्वेयर बेल्ट। अब क्लिंकर साइलो से हम लोग क्या निकाले हैं, क्लिंकर, इसको हम लोग कॉन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे। अब सिर्फ क्लिंकर से सीमेंट नहीं बनेगा, क्लिंकर के साथ हम लोग को रिटार्डर के तौर पे जिप्सम भी मिक्स करना होता है। क्लिंकर के साथ हम लोग जिप्सम मिक्स किया, फ्लाई एस भी हम लोग को मिक्स करना पड़ता है, फ्लाई एस डालेंगे। ओके, सो क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई एस हम लोग इस कॉन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे और ये कॉन्वे करके कहाँ पर लेकर आएगा, रोलर प्रेस पे। ओके, ये क्या है दोस्तों, रोलर प्रेस। यहाँ पर देखिए एक रोलर है फिक्स्ड रोलर और एक है मूविंग रोलर, ये घूमता रहता है। ओके,
और इन दोनों के बीच में देखिए हम लोग इन मिक्स को डाल देंगे। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है क्लिंकर, यहाँ पर है जिप्सम, और यहाँ पर है फ्लाई ऐश, और ये इसको प्रेस कर देगा। ओके, बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर देगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रोलर है और यहाँ पर और एक रोलर है। ओके, इनके बीच में हम लोग मिक्स को डाल देते हैं। अब रोलर प्रेस से ये मटेरियल निकल के आएगा बॉल मिल पे। ओके, फाइनली यहाँ पर आके सीमेंट बनता है बॉल मिल पे। तो ये बॉल मिल घूमता रहता है और इसके अंदर रोलर प्रेस से जो मटेरियल आया है इसको हम लोग डाल देते हैं और यहाँ पर ये फाइन पाउडर सीमेंट पे कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ही मेनली सीमेंट बनता है बॉल मिल पे। ओके, सो बॉल मिल पे सीमेंट बन जाने के बाद अब सीमेंट को हम लोग को स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर है सीमेंट साइलो। तो आप तीन जगह पे साइलो देख पाएंगे, एक है रॉ मिल साइलो, क्लिंकर को स्टोर करने के लिए क्लिंकर साइलो, और सीमेंट को स्टोर करने के लिए सीमेंट साइलो। ओके, अब यहाँ से हम लोग सीमेंट को पैकिंग प्लांट पे पैकिंग करते हैं। तो बैग्स पे हम लोग पैकिंग कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग ट्रक पे लोड करके हम लोग रिक्वायर्ड प्लेसेस पे इसको लेकर जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोग ड्राई प्रोसेस से सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं टोटल प्रोसेस को एक बार यहाँ पर चार्ट के तौर पे समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप है, देखिए लाइमस्टोन माइन से हम लोग लाइमस्टोन को ट्रक में भर के कहाँ पर लेकर आते हैं, क्रशर पे। ओके, ट्रक में हम लोग लाइमस्टोन भर के कहाँ पर लेकर आएंगे, क्रशर, लाइमस्टोन क्रशर, लाइमस्टोन क्रशर। ओके, और क्रश होने के बाद हम लोग देखिए लाइमस्टोन का हीप बना के रखेंगे और यहाँ से देखिए लाइमस्टोन निकालेंगे, और लाइमस्टोन निकालने के बाद यहाँ पर कॉन्वेयर बेल्ट होगा इस प्रकार से। ओके, कॉन्वेयर बेल्ट, यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, लाइमस्टोन, इसके साथ हम लोग डालेंगे क्ले, इसके साथ हम लोग डालेंगे आयरन ओर, आयरन ओर, इसके साथ हम लोग डालेंगे बॉक्साइट। ओके, तो ये कॉन्वे करके कहां पर लेकर आएगा, ये लेकर आएगा रॉ मिल पे। रॉ मिल इनको एक फाइन पाउडर पे कन्वर्ट कर देगा, और रॉ मिल पे फाइन पाउडर पे कन्वर्ट हो जाने के बाद तो रॉ मिल से ये आएगा साइलो पे, रॉ मिल साइलो पे, रॉ मिल साइलो, और यहां पर देखिए हम लोग यहां पर स्टोर करके रखेंगे। अब दोस्तों रॉ मिल साइलो से ये जाएगा रोटरी क्लीन के लिए, रोटरी क्लीन। ओके, सो रोटरी क्लीन पे आ गया, और यहां पर हम लोग हीट देंगे तो हीट के वजह से ये क्लिंकर पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिंकर। और ये जो क्लिंकर है इसको हम लोग स्टोर करेंगे क्लिंकर साइलो पे, क्लिंकर साइलो, और क्लिंकर साइलो पे स्टोर होने के बाद यहां से हम लोग क्लिंकर निकालेंगे, कॉन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे। किस पे डाल रहे हैं, कॉन्वेयर बेल्ट पे, यहां पर क्लिंकर डाल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग जिप्सम डालेंगे रिटार्डर के तौर पे, और यहां पर हम लोग फ्लाई ऐश भी डालेंगे। ओके, और इसको हम लोग ले जाएंगे रोलर प्रेस पे, रोलर प्रेस। सो रोलर प्रेस पे देखिए ये प्रेस हो जाएगा अच्छी तरीके से, और रोलर प्रेस पे प्रेस होने के बाद इसको हम लोग भेजेंगे बॉल मिल पे। ओके, तो यहाँ पर फाइनली आपका सीमेंट बन जाता है। ओके, और बॉल मिल पे सीमेंट बनने के बाद हम लोग इसको स्टोर करेंगे सीमेंट साइलो पे, सीमेंट साइलो, और सीमेंट साइलो पे स्टोर होने के बाद हम लोग इसको लेकर जाएंगे पैकिंग प्लांट पे, पैकिंग प्लांट, और पैकिंग प्लांट पे यहाँ पर पैकिंग हो जाने के बाद हम लोग इसको ट्रक पे भर के शॉप पे लेकर आएंगे। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये है दोस्तों ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।